आज मैं बना रही हूँ पोहा। तो इसके लिए मैंने वेजिटेबल्स काट ली हैं। आलू है, फ्रांस बीन, मटर, गाजर, प्याज, मिर्ची, राई, ये नट्स हैं, और है ये कड़ी पत्ता। ये सारा सामान रेडी कर लिया है। अब मैं कढ़ाई रखती हूँ। राई और ऑयल मेरा गरम हो गया है, तो अब इसमें मैं राई डालने लगी हूँ। वो इसमें मैंने राई डाल दी। राई चटकारे ले रही है, चटक 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 चटक। राई मेरी चटक गई है और मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है। अब इसमें मैं ओनियन डाल रही हूँ। ओनियन मेरे गुलाबी हो जाएं। इसमें मैं हींग ऐड कर दी है, इसे थोड़ा हम भून लेते हैं। सोंधी सोंधी सी खुशबू आ रही है। हींग भी अच्छी होती है हमारे पेट के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे भी ज़रूर डालना चाहिए। साथ ही मैं अब ग्रीन चिल्ली डाल रही हूँ और चटपटी सी बनाएंगे हम, चटपटा सा। तो मैंने मिर्च भी ऐड कर दी है। थोड़ी मेरा प्याज ज़रा गुलाबी हो जाती है तो फिर मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। हल्दी मैंने डाल दी है। अब इसमें मैं डालूँगी वेजिटेबल्स। उसके लिए मैंने पहले इसमें डाल देती हूँ बीन्स। बीन्स मैंने ऐड कर दी है। साथ ही मैं मटर ऐड कर देती हूँ। आलू भी मैंने ऐड कर दिए। हमने कैरेट भी डाल दी। खूब सारी वेजिटेबल्स डाल दो क्योंकि सीजनल जो ही है, बच्चे खाते नहीं ना वैसे तो वेजिटेबल्स, इसमें सब खा लेते हैं। तो मैंने खूब सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी है इसमें। सब्जी मैंने रख दी है इसे 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए सब्जी मेरी हो जाए। दो मिनट के लिए मैं इसे सब्जी को कवर करके रख देती हूँ। इधर मैंने पोहे को पोहा मैंने पानी में डिप करके थोड़ी सी छट्टे मार के रख लिया है। तो अब सब्जी को की वेट कर रही हूँ मैं। ठीक है, आप वेट करो। सब्जी मेरी रेडी हो चुकी है। सब्जी फर्स्ट क्लास हो गई है। अब मैं इसमें पोहा ऐड कर दे रही हूँ। अब इसमें मैं ना थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी। सॉल्ट सेंधा, हाँ सेंधा नमक डालेंगे मैं। सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें अच्छी तरह से हिला लूंगी। इसमें हम
पोहा मेरा हो गया, इसमें मैं अब थोड़ी सी नट्स ऐड कर रही हूँ। पोहा मेरा रेडी हो चुका है, थोड़ा सा इसमें मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे लेमन। तो पोहा रेडी हो चुका है मेरा। पोहा मेरा रेडी हो गया है।